improvise.guitar.com और हम लोग राबता का कॉर्ड्स डिस्कस करेंगे. और इस लेसन में जो मेरा मेन मोटिव है, आई विल शेयर लॉट ऑफ आइडियाज़ के इंस्टेड ऑफ प्लेइंग बेसिक सी मेजर ए माइनर, आप कैसे कोई भी कवर को और भी सुंदर कर सकते हो अप्लाइंग सम स्केल एंड कॉर्ड्स नॉलेज. तो जो सीरियसली सीखना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एज ऑलवेज कि अगर आप अच्छी तरह से गिटार सीखना चाहते हैं, अगर प्रॉपरली आप नहीं बजा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक्स ठीक नहीं है. तो बेसिक्स को पहले ठीक करना है, और उसके लिए आप कोई भी टीचर है जो लोकल टीचर है सिखाते हैं उनके पास आप जाइए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए. क्योंकि यूट्यूब में आपका कहाँ गलती हो रहा है यूट्यूब लेसन से आपको पता नहीं चलेगा. अगर आसपास कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल रहा है तो वी हैव सेंटर्स इन कैलकटा एंड पुणे. यू कैन जॉइन अस. प्लीज़ विजिट द लिंक हियर, musiccircle.in वेबसाइट में. और अगर कहीं भी आप हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्काइप क्लासेस एंड इफ़ यू लाइक आर लेसन्स, यू कैन गेट इन टच विद अस. और ये ऑप्शन भी अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारा डाउनलोडेबल कोर्सेस मैं musiccircle.in में पब्लिश करता हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और स्टेप बाई स्टेप सीखते हैं. और देर इज़ समथिंग कमिंग अप, यू नो, ऑल माई लेसन वीडियोज विल बी अवेलेबल इन tamsguitar.com सून. इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, बट उसके बाद सब आपको tamsguitar.com में मिल जाएगा. एनीवे, शुरू करते हैं. तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं इसका क्या है. दिस सॉन्ग स्टार्ट्स विद सी, और यहाँ कॉर्ड्स क्या है, सी ए माइनर है, एफ है, जी है, डी माइनर है. तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा ई माइनर भी है इस गाने में. तो these chords are present, तो इट इज़ इन सी मेजर स्केल. तो सी मेजर स्केल में दिस सॉन्ग इज़ प्लेड. और अगर आपको पता नहीं कि कैसे ये होता है तो चेक आउट माई लेसन ऑन बेसिक थ्योरी. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. तो प्रिटी सिंपल है. पहले खुदा ने जहां में सभी के लिए. तो और एक चीज़, कोई भी गाना अगर आप खुद बजाना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली सुनना पड़ेगा कि कहाँ कॉर्ड चेंज हो रहा है. मान लीजिए मैं एक नया गाना सीख रहा हूँ तो मैं प्रॉपरली लिरिक्स को फॉलो करूँगा और कहाँ कहाँ कॉर्ड चेंज हो रहा है वो पहला चीज़ है मुझे जो नोटिस करनी पड़ेगी. क्या कॉर्ड बज रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो सुन के सबको पता नहीं चलता, तो इट डजंट रियली मैटर. बट एटलीस्ट कहाँ लिरिक्स के साथ, सुर के साथ कॉर्ड चेंज हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई. और सेकेंडली, इसके लिए क्या करना पड़ता है, विच आई डू, आई यूज़ अ वेरी बेसिक ईयरफोन. तो आई शेयर द लिंक, इट्स प्रिटी चीप, एक्सपेंसिव नहीं है. तो ये आप खरीद सकते हैं, या कोई भी ईयरफोन आपके पास हो जिसमें थोड़ा क्लैरिटी है आप यूज़ कर सकते हैं. ईयरफोन लगा के आप प्रॉपरली बेस लाइन को आपको सुनना है और कॉर्ड्स को सुनना है. And it takes time. The more you learn music, आपका listening बहुत अच्छा हो जाएगा. Anyway, तो कहते हैं खुदा ने जहाँ, तो जहाँ में A minor, मैं सभी के लिए किसी ना किसी में फिर सी, सीना किसी को है बनाया, हर किसी बनाया. देखिए each and every specific point में chord change हो रहा है, बनाया हर किसी के लिए. फिर इट गोज टू एफ, मिलना है उस रब का इशारा मानो. फिर जी, मुझको बनाया. देखिए जस्ट शुरू करने से पहले मैं जी बजाया, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. वेरी सिंपल, ठीक है. फिर नेक्स्ट लाइन भी सेम है, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है. फिर सी, सी ए माइनर. यहाँ क्या हुआ, कॉर्ड का ड्यूरेशन डबल हो गया. कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता. फिर एफ, वो हम सफर है. फिर से एफ, फिर क्या फिक्र है. जी, जीने की बजाय सी ए माइनर एफ जी में ही ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सॉन्ग इज डन.
फिर आप देखना कि सेम पार्ट इज रिपीटेड, फिर देयर इज अ चेंज. तो ये पार्ट एफ ए माइनर, तो सी एफ ए माइनर जी, तो वो पार्ट में आप ऐसे बजाते हैं. फिर देयर इज अ म्यूजिकल पार्ट जहां आता है डी माइनर, फिर इट्स बेसिकली ई विद सी, फिर एफ, फिर जी, वैसा कुछ होता है. तो वो पार्ट गाने में नहीं है, वो आप मतलब वोकल्स नहीं है उसमें, तो आप स्किप भी कर सकते हैं. तो ये आप ऐसे ही बजा सकते हैं, ये इसमें मैं आऊंगा. ये क्या कर रहा हूँ, ये ई नोट है और ये है आपका सी और फिर से ई. तो सी स्लैश ई आप सोच सकते हैं. तो डी माइनर, आप सी भी बजा सकते हैं, फिर एफ, फिर जी. फिर नेक्स्ट पार्ट में कॉर्ड्स क्या है, ए माइनर, ई माइनर. मेहरबान जाते जाते मुझ पे कर गया. कॉर्ड्स को फॉलो कीजिए, अगर मैं जल्दी जा रहा हूं तो रिवाइंड कीजिए, क्योंकि मुझे आई वॉन्ट टू गेट टू द रियल पार्ट. और ये यहाँ बहुत सारा ट्यूटोरियल्स है ये बेसिक कॉर्ड्स का, तो मुझे फिर से करने का कोई ज़रूरत नहीं. सो आई एम जस्ट शोइंग यू इन केस दिस द फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू लर्न दिस सॉन्ग. तो ए माइनर, ई माइनर, जाते जाते एफ मेजर गोज टू सी. फिर नेक्स्ट कॉर्ड इज अगेन ए माइनर, सेम टाइप ऑफ ट्यून. गुजरता सा ई माइनर, लम्हा एक एफ, दामन भर गया जी. तेरा नजारा, नजारा जब बोलेंगे एफ, नजारा मिला सी, रोशन सितारा. डी माइनर, सितारा मिला, डी माइनर के बाद जी. तकदीर कश्ती, तकदीर की जब बोलेंगे एफ, कश्ती डी माइनर को किनारा इज एफ मिला जी. तो आई वोंट बी एबल टू सिंग हियर प्रॉपरली. तो यही कॉर्ड्स है, आप रिवाइंड करके देखिए. और अभी चलते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग. मैं तो ये आइडियाज आप क्या कर सकते हैं, इफ दो गिटार प्लेयर्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप सिंगल गिटार प्लेयर भी हो तो भी आप थोड़ा टैक्टिकली इसको बजाएंगे तो इट विल साउंड रियली गुड. नाउ लेट्स गेट टू द मिलियन डॉलर आइडियाज. क्या शेप्स वगैरह यूज कर रहा था, तो बेसिकली आई वाज प्लेइंग अ बेसिक सी. तो नेक्स्ट कॉर्ड ए माइनर के जगह आई कैन प्ले ए माइनर 7. तो आपके हाथ में मैं क्रिएटिव फ्रीडम दूंगा कि व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन डू. तो ए माइनर 7 कैसा है, होल्ड ए माइनर, लिफ्ट ऑफ द थर्ड फिंगर. तो इसका वाइब देखिए. और एक आइडिया आप यूज कर सकते हैं, यू कैन पुट योर फोर्थ फिंगर ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट. ये क्या है, जी नोट है, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. ए माइनर में अगर आप जी नोट ऐड करते हैं, जी इज द फ्लैट 7 ऑफ ए. तो
तो दिस इज ए माइनर 7, और ये जी नोट सी में भी कॉमन है, तो आप सी को भी ऐसे पकड़ सकते हैं. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कॉर्ड विद अ जी नोट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एफ मेजर यू कैन यूज योर ब्रेन, अगर थियरी पता है तो मैं डी माइनर 7 बजा रहा हूँ. तो अगर आप देखेंगे कि डी माइनर 7 में डी नोट प्लस द एफ मेजर कॉर्ड विल गिव यू द नोट्स ऑफ डी माइनर 7. तो इफ यू आर प्लेइंग इन अ बैंड एनी वे द बेस प्लेयर इज प्लेइंग द एफ नोट, सो यू आर कवर्ड. ओरिजिनल गाना में अगर एफ मेजर भी बजाया हुआ है, इट डजंट रियली मैटर, यू कैन प्ले डी माइनर 7 इफ द वोकल परमिट्स. तो इधर ये डी माइनर 7 स्मूथली ब्लेंड कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनी वे द एफ कॉर्ड इज इन साइड द डी माइनर 7, सॉरी डिड आई से डी मेजर 7, तो डी माइनर 7 कॉर्ड को आप यूज कर सकते हैं. तो उसको कैसे यूज करना है, मतलब होल्ड करना है फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग में, फर्स्ट फ्रेट में आप बार कीजिए और सेकंड फिंगर को ए नोट में आप लगाइए, दैट इज थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन. तो उसके बाद आप एफ बजा सकते हैं, डी माइनर 7 एफ मेजर ऐसा बजा सकते हैं आप, ठीक है. तो एफ मेजर कैसे बजाऊंगा, हमेशा मैं इतना बड़ा बड़ा कॉर्ड शेप नहीं बजाऊंगा, ठीक है. What I'll do is I'll play a triad. अगर आप Hendrix के नाम like Jimi Hendrix का नाम आपको पता है, तो he used to hold like major chords like this. Just the triad और ये thumb से bass note को लेता था, that is a root note. ठीक है, it opens up a lot of options. And कभी कभी instead of playing this triad, he used to take the fifth here. तो anyway. This is more comfortable. तो आप F triad को ऐसे ले सकते हैं, fourth string third fret, second third string second fret and second string first fret. 1 3 5. ठीक है, this is your F, this is your G. तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग को आप म्यूट भी रख सकते हैं या बजा भी सकते हैं. अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन बजाए एफ मेजर के साथ, द ई नोट मेक्स इट एफ मेजर 7 कॉर्ड, ठीक है. तो तेरा मिलना है उस रब का इशारा, तो यहाँ बीच में आपको ब्रेक करना पड़ेगा आफ्टर 4 बीट्स. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. मुझको बनाया तेरे नेक्स्ट क्या है, एफ के बाद जब आप जी जा रहे हैं, देखिए द ओपन जी डजंट साउंड एज गुड, यू नो, बट ये सेम प्रोग्रेशन को सी ए माइनर एफ जी के जगह मैं अगर ऐसे बजाता हूँ तो इट साउंड्स प्रिटी कूल. और इसके लिए आपको बहुत बड़ा गिटार प्लेयर होना नहीं चाहिए, लाइक इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू आर ग्रेट गिटार प्लेयर. बेसिक आइडियाज, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ग्रे मैटर इनसाइड योर स्कल विल डू. तो जी में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग द ट्रायड. और फिर और इस गाने में अगर आप क्लियरली सुनोगे, बहुत सारा लेयर्स, ऑब्वियसली हज़ार लेयर्स यूज करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग में, कोई भी सॉन्ग में, बट बॉलीवुड सॉन्ग में बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज वो सेशन आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करके हज़ार चीज़ बजाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द नेसेसिटी टू प्ले लाइव द सेम वे. दे कैन हैव लाइक 20 म्यूजिशियंस, बट जब आप बैंड में बजा रहे हो तो द पार्ट्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड. तो ज़्यादा लेयर होने का प्रॉब्लम कुछ है नहीं, जो डिकोड कर रहा है उनके लिए कुछ डिफिकल्टी आता है बिकॉज बहुत सारा वॉइसिंग्स बचता है. एनीवे, तो इस गाने में अगर आप प्रॉपरली सुनोगे तो दे आर प्लेइंग जी, बट द जी सस फोर दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई विल कम टू इट. तो जी के बाद तो आपको ये ट्रांजिशन करना है, जी के बाद ये फोर्थ फिंगर को आपको बैठाना है इधर द सी नोट, दैट इज द फोर्थ और 11th ऑफ जी. तो ये जी, जी सस फोर, ये कहाँ है, सी नोट कहाँ है, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. नोट्स को जान लीजिए थोड़ा,
तो ब्यूटीफुल हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस साउंड. सो नेक्स्ट क्या है? तो यहां क्या कर रहा हूं मैं, तो यहां आप सी एंड ए माइनर सेवन विथ अ रूटेड जी ऑन the first string. तो यहाँ पे F बजा सकते हैं, यहाँ ए डी माइनर सेवन ले भी सकते हैं. तू हम सफर है उस जगह में आप एफ ले सकते हैं. तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, सीने की हो जाए मरना इसी के लिए. और जी के बाद जीसस फोर ले सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लोग डी माइनर सेवन और एफ को हाफ ऑफ करके ले रहे थे वैसे भी आप ले सकते हैं. देखिए इट्स वर्किंग. फिर नेक्स्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं.